प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत आज की शाम बुधवार को इस बाइबल अध्ययन में और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर इन दिनों अपने वचन और अपनी आत्मा के द्वारा निरंतर हमसे बात कर रहा है और जबकि कलिसिया के इकट्ठा होने में अभी आ, देर है सो ये आवश्यक है कि हम लोग परमेश्वर के वचन को व्यक्तिगत रूप से पढ़ना मनन करना प्रार्थना करना संगति करना पारिवारिक रूप से बहुत आवश्यक है सो आज की शाम हम इस बाइबल अध्ययन में आप सबका स्वागत और आइए प्रार्थना के साथ हम इस अध्ययन को शुरू करेंगे ताकि परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदयों को मन को तैयार करें और हमसे बात करें ताकि उसके द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन में मजबूत हो सकें आइए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने आज की शाम एक बार फिर से हमें दिया कि हम अपने कलिसिया के विश्वासियों और बहुत से सुनने वालों देखने वाले लोगों के साथ प्रभु जी एक बार इकट्ठा होकर के परमेश्वर हम आपके वचन को मनन कर सकें आपका वचन प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा प्रेरित किया हुआ और उस वचन को समझने के लिए आपकी आत्मा की हमें बहुत आवश्यकता है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरी मदद करिए मेरी सहायता करिए और सुनने वालों की भी मदद करिए ताकि परमेश्वर आपका वचन जिसकी आवश्यकता जिन शब्दों की जिस दृष्टांत की और जिन उदाहरणों की और जिस विषय की आज की शाम हमारे जीवन के लिए आवश्यक है प्रभु वो हमारे जीवन की गहराई में हृदय की गहराई में और हमारे प्रतिदिन के जीवन में व्यवहारिक जीवन में आ सके प्रभु जी इसलिए मदद करिए हमारे ध्यान को मन को एकाग्र होने के लिए मदद करिए पवित्र आत्मा हमको पूरी स्वतंत्रता के साथ पूरे मन के साथ आपकी आवाज़ को आपकी वाणी को सुनने के लिए हमारी सहायता करिए आपका धन्यवाद करते हैं ये मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं आमेन जैसा कि आप आ, विश्वास आशा और प्रेम इस विषय के ऊपर हम लोग मनन करते आ रहे हैं सो इस अध्ययन की जो काजी की जो श्रृंखला है वो लगभग इसके समापन पर इसके समाप्त होने पर है तो वो विषय है विश्वास आशा और प्रेम पहला क्रंथियों उसका तेरहवा अध्याय उसके तेरवें पद के अनुसार हम लोगों ने देखा कि विश्वास सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि विश्वास क्या है सो मैं अब सबको समराइज़ करके या उसका सारांश में आपके सामने रखना चाहता हूं एक बार फिर से और थोड़ा सा जो परमेश्वर का आत्मा इस संबंध में हमें और सिखाना चाहता है इसको हम सीखेंगे प्रभु के आत्मा के द्वारा मैं और हम सब लोग मिल करके एक मसीही विश्वासी जीवन में परमेश्वर यीशु पर विश्वास करना और उसके जीवन का आधार है एक विश्वासी के जीवन की नींव है और ऐसी परिस्थिति में संसार में जब चारों तरफ पाप और अधर्म और दुख मुसीबत रोग महामारी चिंता परेशानी और तमाम विपरीत परिस्थितियां हैं ऐसे समय में ऐसे आंधी और तूफान के बीच में ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में विश्वास जो है वो हमारे लिए एक वो चट्टान है जिसके ऊपर हम खड़े होकर के हम इन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं तो उनका सामना करने के लिए उनके बीच में से गुजर जाने के लिए जो विश्वास परमेश्वर हमको देता है वो हमारी मदद करता है विश्वास एक एक ऐसी अदृश्य सामर्थ्य है जिससे हम शैतान की युक्तियों पर और उसकी शक्तियों के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं विश्वास परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्पन्न वो एक ऐसा अदृश्य ढाल है एक ऐसा कवच एक ऐसा इम्यून पावर है जो शैतान के जलते हुए तीरों को उसके अस्त्र शस्त्रों को उसके हथियारों को उसकी युक्तियों को असफल कर देता है विश्वास इसलिए विश्वास एक मसीह विश्वासी के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है इसलिए विश्वास में बढ़ते रहने के लिए विश्वास में बने रहने के लिए विश्वास में मजबूत होने के लिए हमको परमेश्वर के वचन को विशेष रूप से परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़ना मनन करना और परमेश्वर के वचन के गहराई का ज्ञान प्राप्त करते रहना और अपने विश्वास की जड़ों को उस वचन से मजबूत करते रहना वचन को परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना ये बहुत आवश्यक है सो तो विश्वास को हम हमें अपने जीवन के अंदर अभ्यास में लाना बहुत जरूरी है जब तक हम विश्वास को अभ्यास में नहीं लाएंगे उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे जब तक उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वो विश्वास जो है वो खरा नहीं होता तब तक वो मजबूत नहीं होता वो गहरा नहीं होता और विश्वास के अभ्यास में लाने और इस्तेमाल करने के द्वारा हम विश्वास के महत्व को उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन के अंदर महसूस कर सकते हैं पहला उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ पुराने नियम में हालांकि संदर्भ निकालने की आवश्यकता ने उस घटना को सब लोग जानते हैं अब्राहम के जीवन में अब्राहम ने परमेश्वर से इतना प्रेम किया देखिए योन्ना तीन सोलह में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया लेकिन हम यहां देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर से इतना प्रेम किया विश्वास आशा और प्रेम इन तीनों का समागम या इन तीनों का एक सम्मिश्रण अब्राहम के जीवन के अंदर उसके चरित्र के अंदर उसके स्वभाव के अंदर उसके उसके गुणों के अंदर दिखाई देता है कि अब्राहम ने परमेश्वर से इतना प्रेम किया कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए अपने इकलौते पुत्र इसहाक को इस आशा के साथ देखिए यहाँ पर आशा है आशा के साथ बलिदान करने के लिए वो तैयार हो गया कि उस परमेश्वर क्योंकि उसको उस परमेश्वर पर विश्वास था कि परमेश्वर अवश्य उपाय करेगा और अपनी प्रतिज्ञा को अपनी वाचा को पूरा करने के लिए परमेश्वर इस सहाक को फिर से पुनर्जीवित कर सकता है ताकि वो अपनी वाचा को अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करे इस तरह से हम देखते हैं कि अब्राहम के जीवन के अंदर विश्वास का एक विश्वास का और आशा का और प्रेम के प्रेम का एक ऐसा चित्र एक ऐसी तस्वीर दिखाई देती है कि हम उसे ये सीख सकते हैं कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं यदि हम परमेश्वर से विश्वास करते हैं यदि हम परमेश्वर पर आशा रखते हैं तो हम उसके लिए अपने जीवन के जीवन के अंदर परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहें उसके द्वारा परमेश्वर अपनी वाचा को और अपनी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन के अंदर पूरा करेगा आमेन हालेलुया यदि हम विश्वास करते हैं तो प्रेम अवश्य करेंगे यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो प्रेम अवश्य करेंगे हम आज्ञाकारी रहें हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन की कई बातों को त्याग करने के लिए तैयार करेंगे अगर हम अगर हम विश्वास करते हैं दूसरी बात यदि हम प्रेम करते हैं तो विश्वास अवश्य करेंगे जिसके जिससे हम प्रेम करते हैं उसके ऊपर भरोसा करते हैं उस पर विश्वास करते हैं विश्वास जो है मनुष्य के जीवन के अंदर रिश्तों के अंदर चाहे संसारिक हो चाहे यहाँ तक कि परमेश्वर कर तो और भी गहरा है परमेश्वर के प्रति जो हमारा रिश्ता है हमारे जो संबंध है वो उसके प्रति जो प्रेम है वो प्रेम उस प्रेम का, जी, का जो आधार है वो विश्वास हम विश्वास अवश्य करेंगे और यदि हम सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसके लिए त्याग करने के लिए तैयार रहेंगे यदि हम सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार रहेंगे यदि हम आज्ञाकारी हैं तीसरी बात यदि हम आज्ञाकारी हैं तो हम विश्वास करेंगे सीधी सी बात है हम विश्वास करेंगे और हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे और हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन की कई चीजों को त्याग करेंगे बलिदान करेंगे तो इस तरह से विश्वास करना प्रेम करना आज्ञाकारी होना हमारे अंदर प्रेम और विश्वास और त्याग और बलिदान के एक ऐसे चरित्र को एक ऐसे स्वभाव को हमारे अंदर प्रकट करता है जिसकी आशा हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर उत्पन्न करता है कि वो आशा जो प्रभु में है वो धन्य आशा वो अनंत काल के जीवन की आशा वो सर्वदा के जीवन की आशा जो परमेश्वर ने हमको दी है उस आशा के अंगीकार को हमें दृढ़ता से थामे रहना है हमें उस आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना है और अपनी आशा को पूरी पूरी होने के लिए बाट जोते रहना है यीशु की ओर ताकते रहना है जो विश्वास का करता है आमेन आलोया अब हम आते हैं प्रेम के ऊपर प्रेम वास्तव में क्या है वो ईश्वरीय है प्रेम जो है वो जो संसार की तरफ से जो आता है भौतिक रूप से आता है जो प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक रूप से जो मनुष्य के जीवन के अंदर दिखाई देता है वो वास्तव में प्रेम नहीं है केवल एक आकर्षण है केवल एक लगाव है केवल एक आदत की तरह से हो जाती है कि हम किसी से यदि हमारे हमारा किसी से लगाव होता है तो उस, उससे जो एक आकर्षण होता है या उससे लगाव होता है हम उसको प्रेम कह देते हैं वास्तव में वो प्रेम नहीं प्रेम है।, है प्रेम वास्तव में जो परमेश्वर की ओर से है ईश्वरीय है प्रेम जिस जिसको हम आगापे प्रेम कहते हैं प्रेम अलौकिक है प्रेम स्वाभाविक नहीं प्रेम अलोकिक है प्रेम वास्तव में अलौकिक है अलौकिक का अर्थ है कि परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन के अंदर वो एक ऐसा आत्मिक गुण जिसको परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर डाला है प्रेम निस्वार्थ है प्रेम त्यागपूर्ण है इन बातों को हमें याद रखना है यदि आप सचमुच हमारे अंदर प्रेम है तो वह ईश्वरीय होना चाहिए वह अगाप्य प्रेम होना चाहिए अलौकिक प्रेम होना चाहिए त्यागपूर्ण प्रेम होना चाहिए प्रेम में वास्तव में प्रेम में क्या होना चाहिए कि हम प्रेम का एक, एक बहुत बड़ा गुण है कि क्षमा इस गुण के इस गुण की तरफ हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन के अंदर कई ऐसी घटनाएं हैं सबसे बड़ी चीज़ कि परमेश्वर स्वयं जो हमसे प्रेम करता है वो हमारे जीवन को क्षमा करने के लिए हमारे जीवन के पाप को अधर्मों को क्षमा करने के लिए इतने बड़े दाम को उसने चुकाया अपने पुत्र के जीवन को बलिदान करके उसके लहू को बहाने के लिए दे दिया इतना बड़ा इतना बड़ा त्याग उसने किया परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को वो क्यों किया ताकि वो अपने पवित्रता से अपने न्याय को पूरा करने के लिए अपनी योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य के पापों को क्षमा करने के लिए इस काम को किया तो परमेश्वर जब परमेश्वर मनुष्य को हमको और आपको जब क्षमा करता है तो हम परमेश्वर जिस गलती को जिस पाप को जिस धर्म को क्षमा कर देता है वो उसको भूल भी जाता है अगर हम यशाह तैतालीसवें अध्याय और उसके 25 से छब्बीसवें अध्याय पद में देखें यशाह की पुस्तक को एक संदर्भ को हम निकालें उसमें हम देखें कि यशाह तैतालीसवें अध्याय में और उसके 25 और छब्बीसवें पद में क्या लिखा हुआ है हम देखते हैं कि उसके क्षमा का गुण किस प्र, किस प्रकार का क्षमा है मनुष्य क्षमा करता है क्षमा तो कर देता है यदि वो प्रेम ईश्वरीय नहीं है तो वो जिन बातों को माफ़ भी कर देता है उन बातों को दोबारा याद करता है उन उस व्यक्ति को देख करके उस उस व्यक्ति को देख करके उनकी गलतियों को माफ़ करने के बाद भी दोबारा ये अपने मन के अंदर रखता है कि इसने देखिए उस दिन अभी ऐसे किया था उस दिन भी ऐसा किया था ऐसे याद करता है लेकिन परमेश्वर का गुण क्या है तैतालीसवें अध्याय और उसके छब्बीस पच्चीस और छब्बीस में देखें लिखा है मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा परमेश्वर हमारे पापों को मिटाने के बाद क्योंकि उसने हमारे पापों को अपने पुत्र यीशु के बहुमूल्य लहू से उसको शुद्ध किया हमको मिट, उसको उस पाप को मिटा डाला उस दर, अधर्म को मिटा दिया और उसकी प्रतिज्ञा क्या है कि मैं तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा मुझे छब्बीसवें पद में लिखा है मुझे स्मरण करो हम आपस में विवाद करें कि तू अपनी बात का वर्णन जिससे वर्णन का जिससे तू निर्दोष ठहरे परमेश्वर का प्रेम इतना बहुमूल्य इतना अनोखा कि वो जब क्षमा करता है तो वो आ, हम आ, उस 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 पाप को उस अधर्म को दोबारा याद नहीं करता वो उस पाप की गठरी को एक गहरे समुद्र में फेंक करके भूल जाता है और हमसे एक ऐसे एक ऐसे व्यक्ति के समान एक ऐसे पुत्र एक ऐसे संतान के समान मिलता है कि हमने कभी पाप किया ही नहीं अगर हम मान लिया कभी भी अपने जीवन में हम कहें परमेश्वर से परमेश्वर मैंने उस पाप को ऐसा किया था तो परमेश्वर कहेगा कि मैं तो भूल गया हूं इब्रानियों और उसके दसवें अध्याय उसके सत्रहवें पद में सत्रहवें पद में भी इसी बात को हम पाते हैं इब्रानियों और दसवें अध्याय उसके सत्रहवें पद में लिखा हुआ है कि मैं, मैं फिर मैं ये कहता हूं कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा है वो प्रेम वो ईश्वरीय प्रेम परमेश्वर के अंदर जो प्रेम है वो प्रेम जब हमारे अंदर होगा तब हम जब हम दूसरों को माफ करेंगे दूसरों को क्षमा करते हैं उनकी गलतियों को उनके अपराध को या उनके पाप को दोबारा स्मरण न करें जब वो उड़ाऊ पुत्र वापस आया अपने पिता से मिलने के लिए जब पिता जब उसका बेटा सामने आया और वो बहुत ही गंदे कपड़ों में मेले चिचड़े पहने हुए बदबू आ रही थी जब उसने उसको देखा उसके अंदर प्रेम पिता का प्रेम उमड़ के आया और उसने उसको गले लगा लिया और जब गले लगा लिया मेल मिलाप कर लिया उसको क्षमा कर दिया उसके बाद उसने उसके पिता ने कहा कि इस घर में आनंद बनाएंगे एक, ए, 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 एक बहुत अच्छा भोज देंगे और उसको एक अंगूठी पहनाया उसको अच्छे वस्त्र पहनाया ऐसा करते समय उसने उसकी उन गलतियों को उन पापों को स्मरण नहीं किया यहाँ तक कि उसके बड़े भाई ने जब उससे नाराज़ हो गया कि देखो तुम्हारा मैं इतना आपकी आज्ञा करता मैं रहा हूँ मैं इतनी आपकी सेवा करता हूँ और उसने जो इतना सब कुछ कर दिया इतना नुकसान कर दिया आपका आपको इतना दुखाया लेकिन और फिर भी आप उसके उसके लिए आप इतना कर रहे हैं तो उस पिता ने जवाब दिया कि तुम्हारा बेटा तो तुम्हारा भाई मर गया था जी उठा खो गया था मिल गया है इसलिए आमन आनंदित होना है उसके यहाँ यहाँ तक कि उसके अपने बड़े बेटे के याद दिलाने के बावजूद भी उसका पाप उसको स्मरण नहीं आया ऐसा है प्रेम परमेश्वर का कि परमेश्वर हमसे ऐसे इस तरह से प्रेम करता है विश्वास दे, देखिए जो जो क्षमा है वो क्षमा वास्तव में उस क्षमा के बाद भूल जाना चाहिए उस पाप को फॉरगिव एंड फॉरगेट. विश्वास जो है देखिए विश्वास प्रेम और विश्वास जो है वो हृदय के अंदर से निकलता है विश्वास का हमारे हृदय से एक रिश्ता होता है हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं जिस शब्द के द्वारा यीशु के मुंह से जो शब्द निकले थे आंधी और तूफान जिससे रुक गए थे शब्दों का शब्दों के द्वारा वचन के द्वारा कई आश्चर्य कई अद्भुत काम जैसे पहाड़ का उखड़ करके समुद्र में गिरने की जो फेंक देने की जो प्रतिज्ञा परमेश्वर यशु ने की और अंजीर के वृक्ष को बोल दिया वो सूख गया वो मुंह से निकले हुए शब्द मुंह से निकले हुए बात कैसे पूरी होती है हमारे मुंह से निकले हुए प्रार्थनाएं हमारे मुंह से निकले हुए निवेदन कैसे पूरे हो पाएंगे परमेश्वर के सम्मुख कैसे ग्रहण योग्य ग्रहणशील हो पाएंगे जब तक हमारे अंदर वो वो प्रेम जो ईश्वरीय प्रेम जो अगाप्य प्रेम जो अलौकिक प्रेम वो निस्वार्थ प्रेम वो 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 त्यागपूर्ण प्रेम हमारे अंदर से उमड़ता हुआ ताकि हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करके उसको दोबारा स्मरण न करें उसके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होंगे हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमको मिलेगा और उस दो प्रकार के जीवन को हम देखते हैं इसको एक कहेंगे कि एक उच्च स्तरीय जीवन एक निम्न स्तरीय जीवन उच्च स्तरीय जीवन में जो हाई लेवल का ऊंचे स्तर का जो जीवन होता है वो घृणा के बदले में प्रेम बुराई के बदले में भलाई यह है एक ईश्वरीय स्तर का प्रेम ईश्वरीय स्तर का जीवन घृणा के बदले में प्रेम बुराई के बदले में भलाई और लेकिन अगर जो निम्न स्तर का जो जीवन होता है जिस उस जीवन को परमेश्वर हमसे उम्मीद नहीं करता है, प्रेम के बदले में घृणा भलाई के बदले में बुराई घृणा के बदले में घृणा बुराई के बदले में बुराई हम किसी व्यक्ति से जो व्यवहार करते हैं हम अगर परमेश्वर के ईश्वरीय स्तर के अगर हम आ, हमारे अंदर वो परमेश्वर का आत्मा वास करता है परमेश्वर का प्रेम वास करता है वो आशा और विश्वास हमारे अंदर है तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का स्तर परमेश्वर की दृष्टि में एक ऊंचा स्तर होता है और उसके द्वारा घृणा के बदले में प्रेम बुराई के बदले में भलाई ऐसा परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि जो कोई भी जीवन की इच्छा करता है वो अपने आप को बुराई से दूर रखे अगर कोई हमारी बुराई भी करता है तो उसके बदले में हमें उसके लिए उसके लिए प्रार्थना करना है उसको क्षमा करना है उसको माफ करना है उस उसके साथ जब उस यीशु के उस स्वभाव को अपने अंदर रखना है जो यीशु ने अपने इनकार कर देने वाले पतरस के प्रति यहूदा के प्रति जिसने जिसने उसको छल दिया था उसके प्रति जो उसको सता रहे थे उनके प्रति जो यीशु का व्यवहार था यीशु का चरित्र यीशु का स्वभाव वो हमारे अंदर हो वो कह उसको कहते हैं वो ईश्वरीय प्रेम वो अगापे प्रेम अलौकिक प्रेम निस्वार्थ प्रेम त्याग पूर्ण प्रेम मतरचित सुसमाचार उसके अठारहवें अध्याय उसके इक्कीसवें पद को हम देखेंगे क्षमा के विषय में मत्य रचित सुमाचार और उसके अठारहवें अध्याय और उसके इक्कीसवें पद में हम इस पद को देखें देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन हमसे उसके द्वारा क्या कहता है तब पत्रस ने पास आकर उससे पूछा उससे कहा कि हे प्रभु यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं ये, ये स्थिति कई बार हमारे जीवन के अंदर कितनी बार हम उसको माफ करें क्या सात बार तक यीशु ने उससे कहा मैं तुझसे कहता हूं नहीं मैं मैं तुझसे यह नहीं कहता कि तो सात बार सात बार तक वरन सात बार के सत्तर गुने तक इसका मतलब क्या हुआ जितनी बार अगर वो भाई या वो बहन वो व्यक्ति या विश्वासी या कोई ऐसा व्यक्ति गलती करता है पाप कर देता है आपके विरुद्ध कुछ कर देता है तो आप उसको कितनी बार माफ करें जितनी बार वो गलती करता है, उसको माफ करें क्योंकि उससे भी हजारों बार जितनी बार हम किसी को माफ करने की हमारे पास मौका आता है अपने जीवन भर में उससे कहीं हजारों बार हजारों बार परमेश्वर ने हमको क्षमा किया यदि हम, यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो कैसे परमेश्वर हमारे उन अपराधों को उन गलतियों को कैसे क्षमा करेगा इसलिए हम यदि हम परमेश्वर के साथ अपने मेल मिलाप को रह रखना चाहते हैं यदि परमेश्वर के साथ अपने संबंध को ठीक रखना चाहते हैं तो हमको दूसरों को क्षमा करना है वही है ईश्वरीय प्रेम का गुण क्षमा करना और भूल जाना क्षमा करना और भूल जाना हम बिना प्रेम के शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे याद रखें इस बात को जब तक हम हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा यदि हम परमेश्वर के अधीनता में हो करके परमेश्वर के प्रेम में भरे नहीं होंगे हम शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे घृणा कड़वाहट और जो जो दूसरों के प्रति जो एक कड़वाहट की बात होती है वो क्या होती है हमारे जीवन के अंदर हमारे परिवार के अंदर यहाँ तक कि हमारे जीवन की आने वाली पीढ़ी के अंदर श्राप को लेकर आती कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन के अंदर कड़वाहट रखते 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 उसका असर क्या होता है कि हमारे संतानों के ऊपर और उसके बाद उनके संतानों के ऊपर वो क्रोध वो घृणा वो कड़वाहट जो परमेश्वर का गुण नहीं है बल्कि शैतान का गुण है वो गुण एक विश्वासी के जीवन के अंदर बहुत दिन तक ठहर नहीं सकता अगर वो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है अगर वो व्यक्ति परमेश्वर पर पे विश्वास रखता है यदि वो व्यक्ति परमेश्वर से के प्रति आशा रखता है तो उसके जीवन के अंदर कड़वाहट और घृणा और क्षमा न करना ये सब बातें नहीं रहेंगी बल्कि उसके बदले में दूसरों को क्षमा करना दूसरों से प्रेम करना दूसरों को आशीष देना ये इस प्रेम का परमेश्वर का मनुष्य के प्रति जो प्रगटीकरण है वो है प्रेम परमेश्वर का मनुष्य के प्रति अपना प्रगटीकरण वो प्रेम है यो ना चौदवा अध्याय उसके इक्कीसवें पद में हम देखते हैं यो ना अध्याय उसके इक्कीसवें पद में हम देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रगट करूंगा अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे ऊपर अपने आप को प्रगट करे वो ईश्वरत्व वो परमेश्वर की परमेश्वर का प्रकाशन वो प्रगटीकरण अगर हम अपने जीवन में चाहते हैं उसके लिए हमको वो ईश्वरीय प्रेम अपने जीवन के अंदर रखना बहुत आवश्यक है क्योंकि प्रेम पवित्र आत्मा का फल है प्रेम मसीही विश्वास के जीवन का मूल तत्व है प्रेम मनुष्य के जीवन के अंदर उठते हुई महकती खुशबू है वो अलौकिक सामर्थ्य है जिसके आगे कोई और शक्ति रुक नहीं सकती है नए नियम के अंदर अगर हम देखें उदाहरण पुराने नियम में हमने अब्राहम का उदाहरण देखा नए नियम में देखिए किस प्रकार विश्वास और आशा और प्रेम वो किस तरह से उसको एक्सरसाइज करना कैसे वो अपने जीवन में अभ्यास करने की बात आती है कि मध्य रच समाचार उसके चौदहवें अध्याय और उसके छब्बीसवें पद में हम देखें चौदहवा अध्याय उसके छब्बीसवें पद बहुत ही लोकप्रिय घटना है कि यीशु पानी के ऊपर चला और यीशु को जो पानी के ऊपर चलते हुए देखकर पतरस के मन के अंदर एक बात आई कि अगर यदि प्रभु यीशु आप हैं तो मुझसे भी कहिए मैं भी चलूंगा मुझे बुलाइए इसमें हम देखते हैं लिखा हुआ है कि यीशु रात के छब्बीसवें पद में चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर डर गए घबरा गए और कहने लगे ये भूत है और डर के मारे चिल्लाने लगे तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा ढांडस मांदो मैं हूं डरो मत पतरस ने उसको उत्तर दिया है प्रभु यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल के चलकर आने की आज्ञा दे उसने कहा आ तब पतरस नाव पर से उतर कर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा हे प्रभु मुझे बचा यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उससे थाम लिया और उससे तूने क्यों संदेह किया जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत कर कहा कि सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है मेरे पुरी इस घटना के अंदर हम देखते हैं कि जब पतनस को यीशु ने बुलाया आ तो पथरस ने अपना पहला कदम उठाया ध्यान से सुनिएगा उसने अपना पहला कदम उठाया एक कदम पानी के ऊपर जाने वाला था दूसरा कदम अभी नाव पर था कई बार बहुत से लोगों के जीवन के अंदर क्या होता है कि एक यीशु मसीह की जो बुलाहट है परमेश्वर की जो बुलाहट है परमेश्वर की आज्ञा पालन की तरफ कदम तो बढ़ा देते हैं लेकिन एक पांव उनका अभी भी नाव पर रहता है एक पर परमेश्वर की एक आ, हमारे जीवन का एक हिस्सा परमेश्वर की तरफ एक कदम परमेश्वर की तरफ एक कदम संसार में दुनिया में इन दोनों के बीच में कई लोग इस कश्मकश में रहते हैं पथरस भी कश्मकश में आया होगा थोड़ी देर के लिए जब उसने सोचा होगा कि मैं अपना कदम पहला कदम बढ़ाऊंगा और आ, पता नहीं ऐसा तो नहीं कि मैं डूब जाऊंगा लेकिन नहीं यहां पर वहां वो यहां पर यीशु की वचन पर विश्वास काम आ गया वहां पर यीशु के प्रति जो विश्वास वो वहां पर काम आया और उस विश्वास के द्वारा अपना कदम रखा और उसके बाद उसने थोड़ी देर के लिए वो सोचा उसके बाद दूसरा कदम भी बढ़ा दिया दोनों पांव यीशु की आज्ञा के अनुसार दोनों पांव पांव पे रख दिए पानी पर रख दिए और यीशु के संग संग चलने लगा जब हम यीशु के संग संग चलते हैं तब इस संसार की विपरीत परिस्थितियों के ऊपर हम जयवंत होकर के आगे बढ़ते हैं और जब यीशु ये पतरस के साथ चला जिस तरह से यीशु पतरस के साथ चला और संग संग चलने लगा इससे पहले कि वो पानी में डूबे वैसे ही यीशु हमारे साथ चलने के लिए तैयार है हमारे संग चलने के लिए तैयार है हमारे साथ साथ रहने के लिए तैयार है लेकिन अचानक क्या हुआ पतरस अचानक डूबने डूबने उसका वो डूबने लगा उसने यीशु को पुकारा यीशु प्रभु मुझे बचा किस किस तरह से पुकारा उसने एक तरीके से प्रार्थना की प्रभु मुझे बचा यीशु मुझे बचा मैं डूब रहा हूं मुझे बचा उसके अंदर विश्वास पत्रस के अंदर विश्वास और पत्रस के अंदर एक आशा थी कि जिस यीशु ने मुझे बुलाया है वो मुझे हाथ बढ़ा करके पकड़ लेगा मुझे थम लेगा और उसकी आशा पूरी हुई उसके विश्वास का प्रमाण हुआ और यीशु ने उसको पकड़ करके उठा लिया और बचा लिया और उसके बाद वो जब नाव तक पहुँचे तब वो लहरें थम गईं और सब कुछ शांत हो गया मेरे प्रियो हमारे जीवन की मंजिल तक पहुँचने के पहुँचने तक यीशु हमारे संग संग रहता है यीशु के प्रति विश्वास यीशु के प्रति आशा यीशु के प्रति प्रेम हमारे अंदर परमेश्वर के तो mm -hmm. परमेश्वर के एक दास होने तो की योग्यता देता है परमेश्वर का परमेश्वर के प्रति एक जो समर्पण होता है परमेश्वर की आज्ञा पालन परमेश्वर के प्रति तो प्रेम परमेश्वर की अधीनता एक, एक 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 ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर के दास होने की जो योग्यता होती है अपने स्वामी के अधीन होना वो योग्यता उसके अंदर दिखाई देती है पिछले रविवार को अगर आपने सुना होगा तो उस पद को कि यशाह चौवनवें अध्याय उसके सत्रवें पद में हम उस पद को पढ़ते हैं कि जितने हथियार तेरी हानी के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा और जितने लोग मुद्दे होकर तुझ जीत जाएगा ये 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 किसके लिए रविवार को उसके ऊपर नहीं दिया लेकिन आज मैं आपका ध्यान उसमें दिलाना चाहता हूं उसमें लिखा है कि यहोवा के दासों का यही भाग होगा किसका भाग होगा यहोवा के परमेश्वर के दासों का जो परमेश्वर की आज्ञा उसकी अधीनता में उसके प्रति समर्पण हो करके उस पर यश प्रभु को अपना स्वामी अपना प्रभु एक दास एक दास का जीवन क्या होता है स्वामी जब मालिक उससे कहता है खड़े हो जाओ तो खड़ा होता है बैठ जाओ तो बैठ जाएगा उधर जाओ तो उधर जाएगा ये करो तो वो करेगा जो कुछ वो उसका स्वामी कहता है जो कुछ उसका मालिक कहता है ठीक वैसे ही वो करता है उसमें कहीं वो तर्क नहीं लगाता कहीं वो प्रश्न नहीं करता है कहीं वो बहाना नहीं बनाता है कुछ भी सहने के लिए तैयार हो जाता है अपने स्वामी की अपने अपने मालिक की आज्ञा मानने के लिए वो गुण जब हमारे अंदर होगा तब यह प्रतिज्ञा हमारे जीवन के अंदर पूरा होगी कि कोई भी हथियार कोई भी अस्त्र कोई भी शस्त्र कोई भी युक्ति कोई भी दांव या कोई भी चाल कोई भी शैत शैतानी ताकत कोई भी तंत्र कोई भी मंत्र कोई भी जादू कोई भी टोना कुछ भी क्यों ना हो कोई भी चीज ऐसा हमारे विरुद्ध अगर कोई बनाया जाता लिखा हुआ है वो अगर हमारे खिलाफ उसको फॉर्म किया जाता है उसको रचा जाता है हमारे खिलाफ कुछ भी हमारे खिलाफ सफल नहीं होगा आमेन क्यों? क्यों क्योंकि हम हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति परमेश्वर के दास होने के समान परमेश्वर का सेवक होने के समान परमेश्वर के प्रति समर्पण यहाँ तक कि परमेश्वर ने तो हमको अपना संतान अपना पुत्र अपना बेटा बेटी और अपना मित्र तक कहा है लेकिन उस स्तर तक तक जा, जाने के लिए परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि हम उसकी आज्ञा के पालन करने के लिए उसके प्रति प्रेम उसके प्रति समर्पण उसकी इच्छा को पूरा करना और उसकी उस जैसा वो कहता है वैसा बिना किसी संदेह बिना किसी प्रश्न के अपने कदम को बढ़ा देना परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है तब परमेश्वर की वाचा परमेश्वर की परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन के अंदर पूरी होगी उसके चौदहवें पद में अगर हम देखें इसी चौवन इसी चौवनवें अध्याय के चौदहवें पद में हम देखें उसमें लिखा हुआ है कि तू युश्रम के लिए कहता है और ये बात कलिस के लिए लागू होती है परमेश्वर के लोगों के लिए लागू होती है मेरे लिए लागू होती है आपके लिए लागू होती है कि तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी एक व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन में स्थिर कैसे रहता है धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा वो स्थिर होता है और लिखा है कि तू अंधेर से बचेगी दूसरी बात अंधेर से बचेगी यानी कि अन्याय से उत्पीड़न से और तमाम शैतान के तमाम दबाव से परमेश्वर हमको रक्षा देगा और लिखा है कि क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा हमको भय मुक्त कर देगा परमेश्वर हमको बिना डर के हमारे अंदर के सारे डर को दूर करते कितनी बार हम कई बार इस बात को सुन चुके हैं कि परमेश्वर के वचन के अंदर तीन सौ पैंसठ बार लिखा हुआ कि डरो मत हमको एक भय मुक्त डर मुक्त जीवन जीने की परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि तुझे डरना ना होगा तू भयभीत होने से बचेगी क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा चौदह पद के अंत में लिखा हुआ है भय का कारण तेरे पास नहीं आएगा हम किसी भी कारण से डरेंगे नहीं डर इसका मतलब ये नहीं कि हम सावधानी न रखें हम सावधानी ज़रूर रखें आजकल बहुत से लोग इस महामारी के समय इस कोरोना के समय जो है बहुत से लोग लोगों के अंदर डर रहता है हमको डरने की आवश्यकता नहीं परमेश्वर का वचन परमेश्वर की प्रतिज्ञा परमेश्वर के हाथ परमेश्वर के सरदूत परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर का लहू परमेश्वर का बाड़ा अदृश्य बाड़ा हमारे चारों तरफ रहता है उसके पंख हमको सुरक्षा देते हैं उसका नाम हमको सुरक्षा देता है उसका लहू हमको सुरक्षा देता है उसकी प्रतिज्ञा हमको सुरक्षा देती है उसकी धार्मिकता हमको सुरक्षा देती है लेकिन हम सावधान अवश्य रहे यशु ने कितनी बार कहा सावधान रहना चौकस रहना सावधान रहने की जरूर, जरूरत है हमें हमको इसका मतलब यह नहीं है कि हम अगर किसी ने कहा परमिशन ने कहा कि हम सरदूत सरदूत जो है तुम्हारे तुम्हारे पाँव को ठेस लगने से बचा देंगे तो ऊपर से कूदने की आवश्यकता नहीं है हमको सावधान रहना है शैतान की ओर से आने वाले किसी भी चाल में हमें जाना नहीं है हमको जो सरकार ने जो गाइडलाइन दी है मास्क लगाना हाथों को साफ रखना दूरी बना के रखना इन तमाम चीज़ों का पालन करना अवश्य है लेकिन हमको डरना नहीं है क्योंकि कोई भी महामारी कोई भी विपत्ति कोई भी रोग तेरे देर के निकट नहीं आ पाएगा ये परमेश्वर के वचन के अंदर भजन संहिता इक्यानवे के अंदर ये वादा है ये वादा मेरे लिए है और आपके लिए हर विश्वासी के लिए जो परमेश्वर पे विश्वाश पे विश्वास करता है और उस धार्मिकता के द्वारा स्थिर रहता है और वो जब वो भयभीत नहीं होता वो न्याय उत्पीड़न से नहीं डरता और परमेश्वर के दासों का ये भाग होगा लिखा हुआ है और उसका भाग का अर्थ यह क्या है उसको उसकी विरासत में हमको मिलेगा ये प्रतिज्ञा जो है परमेश्वर ने हमको विरासत में हमको उत्तराधिकार में हमको निराश में हमको धरोहर में और हमको वसीयत में हमको परमेश्वर ने दिया है मेरे प्रियो ये तमाम चीजें परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा ये है परमेश्वर के सेवकों के लिए परमेश्वर के दासों के लिए परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर के बच्चों के लिए परमेश्वर के अधीन रहनों के लिए परमेश्वर के अधीनस्थ अपने जीवन को देखना है क्या हम सचमुच में परमेश्वर के अधीन में है सचमुच परमेश्वर की आज्ञाओं को पालने के लिए का पालन करने वाले हैं क्या हम सचमुच परमेश्वर के दास के रूप में जीवन बिताते हैं और या, 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 याकूब उस, सा, उसके चौथा अध्याय उस उसके सातवें पद में हम देखते हैं कि हम तभी शैतान और उसके अस्त्र शस्त्र का सामना कर पाएंगे शैतान का सामना कर पाएंगे कब कर पाएंगे जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे अधीन होना का मतलब परमेश्वर के दास होने के समान जीवन व्यतीत करना कोई भी अस्त्र शस्त्र कोई भी उसकी युक्ति हमारा बिगाड़ नहीं सकता मेरे प्रियो मैं आज इस इस, इस, इस संदेश को समाप्त करने से पहले एक मैं प्रार्थना आप लोगों के साथ करना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से आप अपने जीवन में अभी अगर आप अभी नहीं करना चाहते हैं कभी अकेले में बैठ करके प्रार्थना करिए कि परमेश्वर अपने जीवन को परमेश्वर के सामने खोल दीजिए रख दीजिए कि परमेश्वर आपने विश्वास आशा और प्रेम इन तीन चीज़ों को हमारे जीवन के अंदर रखा है और इस चीज़ को इसलिए रखा है ताकि इन चीज़ों को इन बातों को अपने जीवन के अंदर हम लागू कर सकें इसको अभ्यास में ला सकें इसको हम अपने जीवन के द्वारा प्रगट कर सके इसके द्वारा परमेश्वर अपने आप को हमारे जीवन के द्वारा प्रगट कर सके लोग हमारे जीवन के अंदर यीशु को परमेश्वर को पवित्र आत्मा के स्वभाव को उन गुणों को उन फलों को हमारे जीवन के अंदर देख सके इन बातों को अपने मन के अंदर रखते हुए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसकी आज्ञाओं को मानेगा जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है वो उस पर उस उसके प्रति विश्वास रखेगा और वो प्रेम जिस जो परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के दूसरों को क्षमा करने के द्वारा और दूसरों के साथ मेल मिलाप करने के द्वारा हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर उस प्रेम को देखना चाहता है उस आशा को देखना चाहता है उस विश्वास को देखना चाहता है और उस विश्वास के द्वारा हमारे जीवन की उन तमाम आवश्यकताओं के बीच में उस उन आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है और विश्वास के द्वारा हमारे जीवन के अंदर चमत्कार कर्म करना चाहता है विश्वास के द्वारा हमारे जीवन को एक एक ऐसे हुई मशाल के समान परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है ऐसे लोगों के पास ऐसे लोगों के पास जिनके पास रोशनी नहीं है जो अंधकार में है जिनके पास ज्योति नहीं है उनके पास परमेश्वर हमको एक रोशनी के रूप में हमारी धार्मिकता को एक रोशनी के रूप में चमकाने के लिए परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है आइए हम प्रार्थना करेंगे अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद करें अपने जीवन को जरा देखें कि किस प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन से उस विश्वास की उस आशा की उस प्रेम की उम्मीद करता है उस धार्मिकता की उम्मीद करता है क्या उसकी उम्मीद के समा, सामने हम परमेश्वर के सम्मुख उसकी अधीन होते हुए उसकी पुकार को उसकी आवाज को उसके बुलाहट को जैसे पतरस को यीशु ने बुलाया उसकी बुलाहट को सुन करके अपने कदम को बढ़ा करके यीशु के संग चलने के लिए तैयार उसके उस विश्वास की यात्रा में उस जय की यात्रा में उस जयवंत होने की यात्रा में यीशु हमारे संग अपने उस विश्वास के गुण उस आशा के गुण और प्रेम के गुण उस धार्मिकता के गुण उस क्षमा के गुण और सारे गुणों के साथ यीशु हमारे संग हमारे अंदर हमारे आसपास हमारे संग अपने वचन अपने आत्मा के द्वारा हमारे संग रहने के लिए तैयार आइए हम प्रार्थना करें पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर कि आपने हमसे इतना प्रेम किया प्रभु जी इतना प्रेम किया हमारे अधर्म को हमारे पाप को आपने मिटा डाला और उसको दोबारा स्मरण नहीं किया प्रभु जी हम आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं कई बार हम अपनी गलतियों को याद करते हैं प्रभु लेकिन आप भूल जाते हैं परमेश्वर हम आपके उस प्रेम के लिए उस अगम्य प्रेम के लिए उस विशाल उस उस ऊंचे प्रेम के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हम उसके योग्य नहीं थे प्रभु लेकिन परमेश्वर आपने हमारे ऊपर अनुग्रह किया हम इसके योग्य नहीं थे प्रभु लेकिन आपने अनुग्रह किया हमारे ऊपर दया किया प्रभु जी और हमको प्रभु जी उस पाप के बंधन से अधर्म धर्म के बंधन से निकाल करके प्रभु उस दलदल से कीचड़ से निकाल करके उस चट्टान पर खड़ा कर दिया जो आपके वचन की चट्टान और उस वचन के चट्टान के ऊपर इसलिए खड़ा किया ताकि हम विश्वास में मजबूत होकर के उस आशा में मजबूत होकर और आपके उस गुण और प्रेम के गुण में मजबूत होकर हम आपके संग संग चल सके आपके गुणों को प्रकट कर सके आपकी महिमा को प्रकाशित कर सके आपको प्रकट कर सके धन्यवाद करते हैं स्तुति करते हैं प्रभु आपने अपने वचनों के द्वारा मुझसे बात किया अपने कलीसिया के लोगों से बात किया बहुत से लोग अपने जीवन के अंदर प्रभु ऐसे ही कश्मकश कश्म में होंगे प्रभु हम क्या करें ऐसी स्थिति में प्रभु आपका वचन हमें उत्साहित करता है प्रभु जी हमको हमारे जीवन के अंदर एक प्रमाण देता है हमारे संग एक वाचा मानता है और परमेश्वर आपके आपका आपका वचन हमसे वादा करता है कि कोई भी हथियार तेरे विरुद्ध सफल नहीं हो पाएगा दुनिया की कितनी भी देखी अनधेखी ताकतें हमको अपने विश्वास के जीवन से खींच हमें उस विश्वास के जीवन से हटा नहीं सकती उस आशा को हमसे छीन नहीं सकती उस प्रेम को हमारे अंदर से निकाल नहीं सकती कोई भी ताकत निकाल नहीं सकती क्योंकि आपने हमको बुलाया आपने हमको बुलाया हम आपके साथ चल रहे हैं प्रभु जी और उस जीवन की यात्रा को पूरा करके प्रभु जी उस मंजिल तक पहुंचेंगे जो आपने हमारे लिए ठहराई है हम आपको धन्यवाद करते हैं हर एक सुनने वाले को आशीष दीजिए प्रभु जी लगातार उन वचनों को जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं मनन करते हैं अकेले में प्रभु जब हम होते हैं प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें स्मरण दिलाकर के हमसे बात करिए लगातार बात करते रहिए धन्यवाद करते हैं सबको आशीष दीजिए सारी महिमा आदर सम्मान हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं आमेन आमेन परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे